खंडवा जिले के मुंजी नगर में एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को लेकर मांधाता विधायक नारायण पटेल को ज्ञापन सौंपा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को बालाजी कंपनी के ठेकेदार द्वारा हटाया गया है। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि बिना सूचना बिना नोटिस के हमें नौकरी से निकाल दिया। हम पिछले 10 से 13 साल से मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत कंपनी में काम कर रहे हैं, पर कंपनी के ठेकेदार द्वारा बजट नहीं होने का बोलकर 60 लोगों को निकाला गया। ऐसी परिस्थितियों में हम कहाँ जाएं? अब हम आगे क्या करेंगे? हम बच्चे कैसे पालेंगे? ये बहुत गलत किया हमारे साथ। अगर प्रशासन ने हमारी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया तो हम मरेंगे या हमारे बीवी बच्चे मरेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वही मांधाता विधायक नारायण पटेल का कहना है कि 1 तारीख को कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है। कर्मचारियों की समस्या को मैंने संज्ञान में लिया है, हम ऊपर बात करेंगे। ठेकेदार का क्या एग्रीमेंट है इसके लिए भी आगे बात करूंगा। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। आवेदन लेके आए हैं जिसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया है विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। ऐसा बताया गया है कि आप लोग बजट नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को 61 लोगों को निकाला गया है, जिसमें इनकी दुर्दशा बहुत ख़राब होगी। हम लोगों की बच्चे पालने में हमारे को दिक्कतें होगी। हम 10 से 15 साल तक काम कार्य थे यहाँ पर कंपनी में, और अभी इससे पहले बालाजी कंपनी का था ठेका, अब ओरिएंटल कोई दिल्ली की कंपनी ने लिया है ठेका, जिसमें लोगों को उन्होंने कम कर दिया है, और अब काम भी इससे सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, और हमारे सामने तो एक विकराल परिस्थिति खड़ी हो गई है, जिससे हम हमारे बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे। बच्चों को काम कर रहे थे 10 से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं हम लोग, और सभी आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह दिया है? कोई नोटिस नहीं दिया, ना कोई पत्र दिया, ना कोई नोटिस दिया, और निकाला गया केवल ये बोल के कि कंपनी किस तरह से हुआ है ये काम। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको 10-15 साल हमको हो गए हैं, और हम एक्सपीरियंस भी हैं, तार मिस्त्री भी है, पढ़े लिखे भी हैं, ITI भी है, पॉलिटेक्निक भी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आपका नाम? मेरा नाम यूनुस खान है, मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ आउटसोर्स कर्मचारी का संगठन का। ये जो MPP से आज आपके पास में आउटसोर्स वाले कर्मचारी जो निकाले गए आए हैं, क्या आवेदन दिए हैं और इसके आप क्या विचार करेंगे और इन लोगों को कैसे मदद करेंगे? देखिए, ये इन्होंने जैसे बताया मेरे को, वो MPV में ठेका प्रदाता पद्धति से ठेकेदार काम लेता है, और ये ठेकेदार के अधीनस्थ काम करते थे। अभी 4 साल से कोई बालाजी कंपनी का ठेकेदार था, इससे पहले कोई था, वो उनके अधीनस्थ काम करते आए हैं। अभी 1 तारीख को कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आया है। अब इन्होंने मेरे को जो जानकारी दी है वो मैंने संज्ञान में लिया हूँ, इसके बारे में ऊपर बात करेंगे। एक इनका और कहना है कि क्वांटिटी कम कर दी, जहाँ 5 लगते हैं वहाँ 3 कर दिया, 2 कर दिया, तो उसके बारे में भी अब ठेकेदार का क्या एग्रीमेंट है शासन से, ठेकेदार से मैं बात करूँगा, ठेकेदार का जो एग्रीमेंट है उस पर भी। दूसरा रहा है जो मेरे पास जो उनकी समस्या लेकर आए हैं, वो उनकी मांग जायज है, अपनी पीड़ा जो उनने बताई है। आज उनका 10-10, 15-15 साल का उनका जीवन खप गया उसी विभाग में काम करते हुए, और आज उनका रोजी रोटी छीनी गई, तो हकीकत विषय बड़ा सोचनी है। मैं बात करूंगा, बात करके समस्या का निदान करने का कोशिश करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।